हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अ न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बट मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है और अभी आप बज रहे हैं 3:04 और मैं आज लेट से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरा तबीयत आज बिल्कुल भी ठीक नहीं। फिर भी मैं अभी ज़ोर ज़ोर बोल रही हूँ ताकि मेरा आवाज़ आप लोग तक जाए, मतलब धीरे धीरे ना हो, इसलिए मैं तो मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था इसलिए मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर रही थी। मैंने खाना वगैरह खाया था उसके बाद, मतलब सुबह का, उसके बाद मैं सो गई थी। और आप लोग देख सकते हैं बेड वगैरह भी ऐसे ही पड़ा हुआ है और इधर बोतल में पानी वगैरह भी मैं नहीं भरी हूँ क्योंकि मेरे को ठीक ही नहीं लग रहा था इस वजह से। और अभी सो के उठी तो सोची कि चलो बनाते हैं ब्लॉग क्योंकि ठीक नहीं लग रहा है, बट फिर भी सोची बना लेते हैं, कोई बात नहीं। और रात को तो इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था कि मतलब 2 बजे मैं उठी थी, सो मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया जिस वजह से मेरा 2 बजे नींद खुल गया था और बहुत ही अजीब लग रहा था। फिर मैंने उल्टी वगैरह भी किया, मतलब उल्टी और बहुत ज़्यादा ठंडी भी लग रही थी और लेटिंग वगैरह भी हो रहा था, मतलब पता नहीं कैसे बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था रात में। फिर मौसम चेंज कर रहा है इस वजह से भी अभी सब कोई बीमार पड़ रहा है, तो पता नहीं मैं भी ऐसे ही हो गया था तो अभी भी मतलब उतना अच्छा ठीक नहीं हुआ। उल्टी वगैरह ठीक हो चुका है बट अभी भी थोड़ा लेटरिंग वगैरह होते हैं, मतलब पूरी तरह से मतलब ठीक नहीं हुई हूँ। बट आप लोग के लिए तो ब्लॉग बनाना ही है तो इसलिए सोची ब्लॉग बनाऊं। तो सो गाइस, अभी मैं हो गई हूँ रेडी और अभी मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ मार्केट क्योंकि कुछ सब्जी वगैरह लेना है। तो मैं ऐसे भी घर में बोर होते रहती हूँ इसलिए मैं सोची कि मम्मी जा रही थी तो मम्मी के साथ मतलब जाती हूँ और प्रिया भी जा रही है, तो चलिए मार्केट जाते हैं, देखते हैं क्या क्या लेती है मम्मी सब्जी में। और अभी आप लोग मेरा रूम का हालत देख सकते हैं, इधर पूरा कपड़ा वगैरह फैला हुआ, कंघी, इधर सारा मेकअप का सामान और इधर पूरा, क्योंकि लेट हो रहा है, मम्मी बुला रही है और हम लोग बहुत लेट कर रहे थे इसलिए अभी जल्दी से चलते हैं, आके जो जो करना है आके करेंगे। और मेरे हस्बैंड जी भी ये पिल्लो भी लाया है बट ये मैं आप लोग को आके दिखाऊंगी क्योंकि अभी ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा है, तो अभी चलते हैं। मम्मी वैसे भी बुला भी रही है तो रूम करते हैं लॉक और चलते हैं। और इधर प्रिया, प्रिया भी रेडी हो गई है अभी चलते हैं हम लोग। हम प्रिया और मम्मी जा रहे हैं और देखते इधर अकेले घर में रहेगी। मेरा सैड है अभी हम। हाँ दीदी, थोड़ा दीदी का भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट पैदल क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है। और ये देख सकते हैं आप लोग कितना कचरा भरा हुआ है। लड़की भाई निकल तो नहीं ना अंदर ना जाए अपना बाहर हलवा कर गलत निकल लो रेडियो 10:03 प्रिया Thank you.
फाइनली मैं घर आ गई हूँ और थोड़ा रात हो गया है क्योंकि हम लोग बहुत शाम को गए थे मार्केट, इसलिए थोड़ा शाम हो गया। और अभी सारा सब्जी वगैरह मतलब लाए थे उसको सब टोकरी में निकाल के रख लिए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये है पटल और करेला, और इधर भी यहाँ चलिए ना आपकी कौन से ही बनाएंगे। सो गाइस फाइनली अभी मैं मार्केट से आ गई हूँ और मैंने अपना साड़ी वगैरह भी चेंज कर लिया क्योंकि साड़ी पहनते हुए मुझे बहुत ही मतलब लगता है कितना भार मतलब पहन ली हूँ नहीं संभाल पाती हूँ। और अभी मैं आप लोग को मतलब तभी जाने के टाइम नहीं दिखा पा रही थी क्योंकि मतलब बहुत जल्दी जल्दी हम लोग जा रहे थे क्योंकि अचानक से मैं भी बोली तो अचानक से रेडी वगैरह हो गई फिर गई तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, तो इसलिए मैं नहीं दिखाई थी। तो ये पिल्लो मेरे हस्बैंड जी लाके, क्योंकि मैं बहुत दिन से उनको बोल रही थी मेरे को छोटा वाला चाहिए, छोटा वाला पिल्लो चाहिए, मतलब छोटा वाला मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है और हार्ट का शेप में रहता है और वो डिजाइन वाला देखते हैं हम देखे थे फ्लिपकार्ट वगैरह में, तो बहुत ही सुंदर लगा था मेरे को, लेकिन उसमें फ्लिपकार्ट में बहुत ही ज़्यादा रेंज दिखा रहा था इसलिए मैं वहाँ से ऑर्डर नहीं की थी। मैंने बोला था कि ऑफलाइन मिलेगा तो ला देना, बट ऑफलाइन वैसा उस टाइप का नहीं मिला, सिंपल ही मिला है, बट कोई बात नहीं सिंपल भी ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये आप लोग देख सकते हैं मेरा छोटा वाला चाहिए था क्योंकि छोटा वाला जो होता है ये ऐसे साइड में रखते हैं तो बहुत ही सुंदर दिखता है, बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं छोटा वाला बहुत दिन से बोल रही थी। तो ये देखिए आप लोग दो लाए हैं, ये इस टाइप का है और इधर लगा हुआ है चैन, यहाँ पे चैन लगा हुआ है, इसको खोल भी सकते हैं, खोल के मतलब गंदा हो जाएगा तो पता मतलब कैमरा पकड़े इसलिए बन नहीं रहा है। तो इसका चैन मतलब कैसे खोले, तो मतलब कि इसका चैन इस टाइप का खोल के इस सारा रुई को निकाल के और फिर इसको गंदा होगा तो इसको धो सकते हैं, इसी टाइप का धो है ये और ये। तो चलिए फाइनली ये आ गया, अच्छा लगा। मैं बहुत ही दिन से बोल रही थी लेकिन ये ला ही नहीं रहे थे, मतलब लाते बट इनको मिल नहीं रहा था, तो आज मिला होगा तो ला रही हैं। चलिए और अभी मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए क्योंकि मतलब दीदी बाबू को लगा दे रही है तेल नीचे, बाबू का तबीयत थोड़ा ख़राब है इसलिए नीचे मतलब आग जला के और अच्छा से सेक सेक के तेल लगा दे रही है दीदी, तो नीचे है। तो अभी मैं और प्रिया मिल के रोटी बना देते हैं, चावल वगैरह बन गया है, बस थोड़ा सा रोटी भी बनाना है मम्मी के लिए। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, ऐसे ही बीच में रखने के लिए बहुत ही प्यारा है, तो इसलिए मैं बोली थी लाने के लिए, तो ये ला दिए। तो अभी चलिए जाते हैं और बनाते हैं रोटी। अभी बाबू को पिलाया जा रहा है दवा, आज का ब्लॉग मैं यही पेंट करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर, और मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय, टेक केयर, राधे राधे।